हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच खेला जाएगा उसके बारे में, और इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग जीतना सबसे आसान है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये वार्म अप मैच होने वाला है, और वार्म अप मैच ना मेगा ग्रैंड लीग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आपको इस मैच में सच में रियली में मेगा ग्रैंड लीग से हजारों और लाखों में विनिंग करना है ना, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस मैच में 100% आप मेगा ग्रैंड लीग जीतोगे, और इस मैच का ऐसा प्रिडिक्शन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि इस मैच में किस किस प्लेयर पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतना तो पता होगा कि वार्म अप मैच में ना लगभग सभी प्लेयर को खेलने का मौका मिलता है, लेकिन किस पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जो प्लेयर आपको इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग के साथ साथ स्मॉल लीग भी विनिंग करवा सकता है। और ट्रंप प्लेयर भी बताऊंगा, फिक्स प्लेयर भी बताने वाला हूं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट कंटेंडर भी बताऊंगा, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो। उससे पहले ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि यहीं पर मैं आपको हर एक मैच का 100% फ्री में टीम देता हूं, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो। तो जल्दी से जल्दी इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। और ऑलरेडी आपको पता होगा 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, तो पूरे वर्ल्ड कप का आपको जो भी टीम होगा टॉस के बाद फाइनल टीम, चाहे स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो, पूरे वर्ल्ड कप में हर एक मैच का आपको बेहतरीन लॉजिकल और विनिंग टीम आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। अब यहां पर देखो, दोनों टीम से आपको लगभग सभी प्लेयर इस मैच में खेलेगा, क्योंकि वार्म अप मैच ऐसा ही मैच होता है जिसमें हर एक प्लेयर को मौका दिया जाता है खेलने के लिए। तो यहां पर मैं आपको जो जो प्लेयर बताऊंगा ना, बस उसी प्लेयर पर फोकस करना। जैसे मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, अगर विकेट कीपर वाले सेक्शन में ध्यान से देखोगे ना, तो जॉस बटलर को 82% लोगों ने लिया है, और मैच स्टार्ट होने तक इसका सिलेक्शन 90% हो जाएगा। इसी प्रकार से लोकेश राहुल को 73% लोगों ने लिया है, और मैच स्टार्ट होने तक इसका सिलेक्शन कितना होगा, लगभग 80% या 85% हो जाएगा इजली। उसके बाद ऑलराउंडर वाले सेक्शन में ध्यान से देखोगे ना, तो लियाम लिविंगस्टन को 68% लोगों ने लिया है, और मैच स्टार्ट होने तक इसका सिलेक्शन आसानी से 80% हो जाएगा। तो आपको मैं बोल दूं कि इस मैच में इन सभी प्लेयर को आपको ड्रॉप करके चलना है, तो आपका दिमाग थोड़ा हैंग हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, जो कि मैंने फर्स्ट में ही आपको बोला था कि इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग जीतना सबसे आसान है, और मेगा ग्रैंड लीग जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बड़े प्लेयर को अपने टीम से ड्रॉप करके उसके जगह पर ट्रंप प्लेयर को लेना। और मैं इस मैच में जॉस बटलर, लोकेश राहुल, लियाम लिविंगस्टन ऐसे ही कुछ बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने वाला हूं, जो लगभग सभी लोग अपने टीम में लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस मैच में ये बंदा फ्लॉप होगा। तो आपको भी ऐसा करना है, यानी जो मैं आपको बताता हूं ना, जो प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं, बस उसी प्लेयर को अपने टीम में लेना, बाकी बात सबको छोड़ दो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फिक्स प्लेयर के बारे में, इस मैच में फिक्स प्लेयर कौन रहेगा। अब फिक्स प्लेयर का मतलब होता क्या है, उससे पहले फिक्स प्लेयर के बारे में बता देता हूं। और फिक्स प्लेयर आपको ज्यादातर इंडिया की तरफ से आपको दिखेगा इस मैच में, और ट्रंप प्लेयर जो रहेगा ना, वो इंग्लैंड की तरफ से रहेगा। तो फिक्स प्लेयर में जो पहला प्लेयर रहेगा रोहित शर्मा, विराट कोहली, बॉलर वाले सेक्शन में जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आपका डेविड मलान जो आपका इंग्लैंड की तरफ से है, बैट्समैन वाले सेक्शन में शुभमन गिल ये वाला प्लेयर, उसके बाद आपका ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव आपका बॉलर वाले सेक्शन में, और मोहम्मद
सिराज। तो ये आपका टोटल 8 ऐसा प्लेयर है ना जो इस मैच में एकदम फिक्स प्लेयर रहेगा, आपको अपने टीम में लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, आपको अपने टीम में लेना पड़ेगा, चाहे आप ग्रैंड लीग खेलो या स्मॉल लीग खेलो। समझ में आ चुका है? एक आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, डेविड मलान, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव। तो ये प्लेयर आपके टीम में होना चाहिए और इन सभी प्लेयर पर आपको फोकस करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो मैंने ना ही जॉस बटलर को यहाँ पर लिया है, ना ही लोकेश राहुल को लिया है और ना ही लियाम लिविंगस्टन को लिया है, जिसको ऑलरेडी लगभग सभी लोगों ने लिया है, जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 70-80-90% है। यही होता है मेगा ग्रैंड लीग का लॉजिक और मैं आपको बताता हूं। समझ में आ चुका है? तो ये प्लेयर नोट कर लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं स्पोर्ट्स बाजी के बारे में। अगर आप फैंटेसी खेलते हो और अगर आपको स्पोर्ट्स बाजी के बारे में पता नहीं है ना तो आप फैंटेसी में बहुत पीछे हो, क्योंकि आपको भी पता है 1 अक्टूबर से 28% का GST लगने वाला है, लेकिन स्पोर्ट्स बाजी आपको हर एक GST से फ्री कर देगा। पूरा आपका GST स्पोर्ट्स बाजी पे करेगा। तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स बाजी नहीं है ना तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात याद रखना, और लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AKJohn जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर उस कोड को यूज करोगे ना तभी आपका 28% का GST पे होगा, खुद आपको स्पोर्ट्स बाजी पे करके देगा, यानी आपका पैसा फालतू में कहीं पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका ख्याल सिर्फ स्पोर्ट्स बाजी रखता है। और इस मैच में देखो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच है, तो इसमें आपको 1,00,000 का मेगा लीग मिलेगा, वो भी कंपटीशन देख सकते हो मात्र 3,000 का है। इसके साथ साथ मात्र 1 रुपया लगा करके 5,000 तक विनिंग कर सकते हो, खुद देख लो आसानी से। उसके साथ साथ 10 रुपया लगा करके 10,000 विनिंग कर सकते हो। कहां पर मिलेगा इतना बेस्ट ऑफर, आप खुद सोच करके देखो, कितना कम कंपटीशन है और जीतने का चांस भाई बहुत ज्यादा, ठीक है ना। उसके साथ साथ स्टेट्स फैंटेसी का बेहतरीन फीचर है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इंडिया इस मैच को इंग्लैंड के अगेंस्ट जीतेगा, अगर आपको लगता है इंडिया जीतेगा तो प्ले नाउ पर क्लिक करके ट्रू पर क्लिक करो, अपना एंट्री लगा दो। अगर आपको लगता है इंडिया नहीं जीतेगा इंग्लैंड जीतेगा तो सिंपली आपको फॉल्स पर क्लिक करना है, अपना एंट्री लगा देना है। समझ में आ चुका है? इसी प्रकार से आपको सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करना होता है मैच के अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इसमें आप प्लेयर स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, प्लेयर का स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, आप इजी से देख लो। समझ में आ चुका है? जैसे कि यहां पर देखोगे ना तो आपको सैम करन का दिखेगा, ट्रेड 50 है, 50 का मतलब होता है 50 पॉइंट। अगर आपको लगता है सैम करन इस मैच में 50 पॉइंट से ज्यादा देगा तो आपको गो लॉन्ग पर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है सैम करन इस मैच में 50 पॉइंट से कम देगा तो आपको गो शॉर्ट पर क्लिक करना है, अपना एंट्री लगा देना है और अच्छा खासा विनिंग करोगे। और अगर आप स्पोर्ट्स बाजी का न्यू यूजर हो और अगर आप स्पोर्ट्स बाजी में मिनिमम से मिनिमम 100 रुपया भी डिपॉजिट करोगे ना, और डिपॉजिट करते समय स्पोर्ट्स 15 कोड को यूज करोगे तो आपको 15% का एक्स्ट्रा रियल केस मिलेगा, बोनस केस नहीं, रियल केस, जिस पैसे को आप यूज कर सकते हो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट होने के लिए। और अगर आप स्पोर्ट्स बाजी का ओल्ड यूजर हो, ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो, तो मिनिमम से मिनिमम 100 रुपये डिपॉजिट करते समय लाइव 5 कोड को यूज करना, आपको 5% का एक्स्ट्रा रियल केस मिलेगा। समझ में आ चुका है? तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो भाई, अभी नहीं करोगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे। और लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AKJohn, उसको यूज करना, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। तो यहां पर मैंने आपको फिक्स प्लेयर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रंप प्लेयर, तो उस ट्रंप प्लेयर पर आपको फोकस करना है, जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको यहां पर ट्रंप प्लेयर के बारे में बताता हूं, तो इसको ध्यान से समझना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ट्रंप प्लेयर आपका विकेट कीपर वाले सेक्शन में जॉनी बेयरस्टो, उसके बाद आपका बैट्समैन वाले सेक्शन में जोय रूट, उसके बाद आपका डेविड मलान जो मैंने आपको फिक्स प्लेयर में भी बताया था, उसके बाद आपका ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सैम करन,
उसके बाद आपका बॉलर वाले सेक्शन में मोहम्मद शमी, रेसे टॉपले ये वाला प्लेयर, उसके बाद आपका क्रिस वॉक्स किधर गया, ऊपर में आपको मिलेगा, मैं दिखाता हूँ, ऊपर में जाओगे तो ये वाला प्लेयर, उसके बाद आपका शार्दुल ठाकुर ये वाला प्लेयर। ये आपका टोटल 8 ऐसा प्लेयर है ना जो लोग इस मैच में इग्नोर करेगा, अपने टीम में इसको लेगा ही नहीं। लेकिन मैं आपको अभी ही बता देता हूं, ये 8 ऐसा प्लेयर है ना जो यही प्लेयर आपको इस मैच में मेगा ग्रैंड लीग जिताएगा। एक जॉनी बेरास्टो, ज्वेरोट, डेविड मलान, सैम करन, क्रिस वॉक्स, मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और रेसे टॉपले, समझ में आ चुका है? तो इसको नोट कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रंप प्लेयर जो मैंने आपको दिया है ना, इसको फोकस करना मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको फिक्स प्लेयर कितना दिया है, 8 मैंने फिक्स प्लेयर आपको बताया है, तो उसमें से आपका एक डेविड मलान तो फिक्स है, तो डेविड मलान अगर हटा दोगे तो आपका कितना बचेगा, 7 प्लेयर, तो 7 आपका फिक्स प्लेयर हो जाएगा और 4 प्लेयर आपको यहां से उठा करके उस टीम में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपका मेगा जीएल का टीम बनेगा। और मैंने आपको फर्स्ट में ही बोला था कि जो जो प्लेयर मैं आपको बताऊंगा ना, बस उसी प्लेयर पर आपको फोकस करना है इस मैच में। जैसे कि देखोगे तो मैंने जॉस बटलर को बताया ही नहीं है, लोकेश राहुल को बताया ही नहीं, और लियाम लिविंगस्टन को भी मैंने नहीं बताया है। ऐसे ही बहुत सारा बड़ा प्लेयर है, उसको मैंने इग्नोर कर दिया है। तो आपको भी इग्नोर करना है अगर इस मैच में सच में रियल में मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो। समझ में आ चुका है? तो जो मैंने आपको प्लेयर बताया है, चाहे वो फिक्स प्लेयर हो चाहे वो ट्रंप प्लेयर हो, इसको नोट कर लो और बस इसी प्लेयर पर फोकस करके अपने से कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास करो जो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे आपको समझाया है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन। ऑलरेडी आपको पता होगा इस मैच में आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मेरा काम होता है आपको सही नॉलेज देना, ताकि उस नॉलेज को यूज करके आप अच्छा खासा विनिंग कर सको। समझ में आ चुका है? तो अब मैं आपको बताता हूं कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट कंटेंडर। तो सबसे पहले मैं बताता हूं एकदम सेफ ऑप्शन, अगर आप स्मॉल लीग खेलोगे तो स्मॉल लीग में आपको सी एंड बीसी किसको बनाना है, तो एक आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली, इसको तो मिस मत करना, क्योंकि इन दोनों प्लेयर का जो परफॉर्मेंस होता है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट और इस ग्राउंड पर काफी तगड़ा होता है, याद रखना। उसके बाद आपका शुभमन गिल, जो भाई गजब का परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद अगर बनाना चाहते हो तो डेविड मलान को भी बना सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी बना सकते हो, क्योंकि डेविड मलान का इंडिया के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस होता है ना काफी तगड़ा होता है। तो ये आपका जो 4 प्लेयर है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और डेविड मलान, इसको आप स्मॉल लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। और डेविड मलान एक ऐसा प्लेयर है जिसको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग में भी सी एंड बी सी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो तो उसमें आपको किसको बनाना है वो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से हटा लेता हूं। मेगा ग्रैंड लीग में पहला जो प्लेयर है सैम करन, जो आपको बैटिंग भी करके देगा, बॉलिंग भी करके देगा और इंडिया के अगेंस्ट काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है। उसके बाद आपका इधर से देखोगे तो आपका जॉनी बेरास्टो, जो रूट ये वाला प्लेयर, उसके बाद आपका जसप्रीत बुमराह। तो ये आपका टोटल 4 ऐसा प्लेयर है ना जिसको आप मेगा ग्रैंड लीग में सी एंड बीसी बना सकते हो। और मैंने आपको एक पीछे बताया था डेविड मलान के बारे में, तो यहां पर आपका जॉनी बेरास्टो, ज्वेरोट, आपका सैम करन और आपका जसप्रीत बुमराह, इसको मेगा जीएल में ट्राई करना सी एंड बीसी, जिसको बहुत कम लोग लिया भी है और हद से ज्यादा भी बहुत कम लोगों ने कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बनाया है। लेकिन एक बात याद रखना, ये ऐसा प्लेयर है ना अगर चल गया ना इस मैच में तो मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 में जाने से कोई नहीं रोक सकता है आपकी टीम को। समझ में आ चुका है? तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि किस प्रकार से आपको टीम बनाना है, फिक्स प्लेयर कौन रहेगा, ट्रंप प्लेयर कौन रहेगा और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्मॉल लीग खेलते हैं, तो स्मॉल लीग का टीम मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ, जो मैं बनाने वाला हूँ सिंपली स्पोर्ट्स बाजी पर, चूंकि मैं यहीं पर खेलता हूँ तो मैंने ऑलरेडी बना करके रख लिया
है टीम को आप इजी से देख सकते हो। अगर इसमें देखोगे तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में मैंने सिंपली जॉनी बेयरस्टॉक को लिया है, बैट्समैन वाले सेक्शन में जुआ रूट, डेविड मलान, शुभमन गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा है, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में हार्दिक पांड्या, सैम करन, और बॉलर वाले सेक्शन में रेसे टॉपले, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी है, और बॉलर वाले सेक्शन में आपके पास और भी ऑप्शन है जो मैंने आपको पीछे ऑलरेडी समझा दिया है, जैसे कि क्रिस वॉक्स हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, ये सब प्लेयर आपको ट्राई करना है, मोहम्मद सिराज हो गया, कुलदीप यादव हो गया, इसको भी ट्राई कर सकते हो जो मैंने आपको बता दिया। यानी जितना प्लेयर मैंने बताया है ना उसी पर फोकस करो। कैप्टन रोहित शर्मा को मैंने बनाया है और वाइस कैप्टन मेरा विराट कोहली है। मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन का बेस्ट कंटेंडर भी बता दिया है, और यहां पर मैंने सिंपली जॉस बटलर को भी ड्रॉप किया है, लोकेश राहुल को भी ड्रॉप किया है, और लियाम लिविंगस्टन को भी ड्रॉप किया है, और आपका मार्क वुड को भी ड्रॉप किया है। बहुत ऐसे बड़े प्लेयर है जिसको मैंने ड्रॉप किया है, क्योंकि मैं खुद इस मैच में रिस्क लेने वाला हूं। अगर आपका काम है रिस्क लेना, मेगा ग्रैंड लीग में विनिंग करना, तो आप इस टीम को लगा सकते हो। समझ में आ चुका है? और ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, अगर इसमें कोई भी चेंज होता है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद, तो वो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में दूंगा, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो। तो इस टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी के लिए मेरा यही टीम है, लेकिन चेंज होगा तो वो आपको फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और हाँ, स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लेना, और लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है एकेजन, उसको यूज करना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।